तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं कैसी जानकारी, जो जानकारी सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक योजना क्या है, मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2023 के द्वारा किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं और हर महीने 1200 रुपये पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यकीनन आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा श्रमिक परिवार के बच्चों को अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अनाथ बच्चों तथा मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्य के बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यकीनन आपको इस जानकारी अच्छी लगेगी और इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो श्रमिक बच्चे 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस श्रमिक बाल विद्या योजना 2023 के तहत इस वर्ष 2000 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। या यूपी मजदूर बाल शिक्षा योजना श्रमिकों के बच्चों को स्वस्थ जीवन व समृद्ध जीवन जीने में सक्षम बनाएगी। 8 से 18 साल के बच्चों को स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, लेकिन खराब हालत के कारण वह श्रम से जुड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों को इस बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से संबंधित जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से योगी सरकार आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस स्कूल लाने के साथ साथ ऐसे बच्चों को भी स्कूल वापस लाने का प्रयास कर रही है जो बच्चे आर्थिक तंगी या किसी दूसरे अन्य कारण से बाल श्रमिक बन गए हैं। उन सभी बच्चों के लिए सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा योजना के तहत बालकों को हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि बालिकाओं को 1200 रुपये हर महीने प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य 2000 बच्चों को योजना से जोड़ने का था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। अब सरकार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 5000 बच्चों को योजना से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि राज्य के कामकाजी बच्चों को आर्थिक सहायता की धनराशि प्रदान कर शिक्षा की ओर प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब बचपन में बच्चे अपने पारिवारिक खर्चों के लिए बाल श्रम करने पर मजबूर होते हैं, तो उनके शारीरिक या मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार आज इसी ओर एक और कदम बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2023 के तहत राज्य सरकार बालकों को 1000 रुपये, बालिकाओं को 1200 रुपये महीना की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इससे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के जरिए श्रमिक बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना, देश को प्रगति की ओर ले जाना मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के जरिए श्रमिकों के बच्चों को बाल श्रमिकों के रूप में काम करने से रोकने के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और इसके बजाय उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोस्तों, योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना। इनके द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लाभार्थी यानी किसको लाभ मिलेगा, तो राज्य के गरीब बालक बालिकाओं को जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना का आरंभ कब हुआ, तो 12 जून 2020 को बाल श्रमिक निषेध दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवार के बच्चों को अच्छी जीविका प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और खाना दोनों प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनके भविष्य में सुधार आएगा। दोस्तों, इस योजना के तहत जो भी लाभ दिए जाएंगे, उस लाभ को मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अब क्या क्या दस्तावेज लगेंगे यानी कौन कौन इस योजना के पात्र होंगे, उस चीज़ को भी मैं बता रहा हूँ। आवेदक यानी कि बालक बालिका उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों। आवेदक को 8 से 18 वर्ष का होना चाहिए। आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना पड़ेगा। आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करेंगे। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2023 में आवेदन करने का प्रक्रिया बेहद आसान है। उत्तर प्रदेश के जो लाभार्थी
इच्छुक हैं, इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया है और अभी इस मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। जैसे सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगी, तैसे हम आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपडेट करेंगे। फिर भी अगर मैं आपको बताऊँ कि इस योजना के चयन की क्या प्रक्रिया है, कैसे इस योजना के द्वारा बच्चों को लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार शुरुआती चरण में 2000 बच्चों को लिया था, लेकिन अब 5000 बच्चों को सभी 75 जिलों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत बच्चों की पहचान श्रम विभाग के अधिकारियों की ओर से सर्वेक्षण, सर्वे या निरीक्षण में ग्राम पंचायतों स्थानीय निवास चाइल्ड लाइन और विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। यदि माता या पिता दोनों फिर या दोनों किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं तो उनके बच्चों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्राथमिकता के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO के द्वारा एक सर्टिफिकेट लगेगा, जिसको आप बनवा लीजिए। भूमिहीन परिवारों और महिला प्रमुख परिवारों के चयन के लिए 2011 की जनगणना की सूची का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी की चयन की मंजूरी के बाद इसे ई ट्रैकिंग सिस्टम पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना 2023 को आवेदन कर सकते हैं और भविष्य में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। यू कैन अर्न YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।